साढ़े ना ठीक हाँ ठीक चलो अब फोन को नहीं देखेंगे, आप मुझे देखेंगे, फोन मुझे देख लेगा ठीक है। पहला सेशन आज का इसी बारे में है कि सेमेस्टर एग्जाम को अप्रोच कैसे करें, और दूसरे सेशन में हम वो पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स को ठीक है। थोड़ा लेट हो गए हैं, मैं मुझे जल्दी आना चाहिए था पर मैं लेट हो गया, मतलब आके पहले अरेंजमेंट कर लेता तो हो जाता ठीक। तो अराउंड मान लो कि 10-12 दिन में हमारा सेमेस्टर इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा ठीक। किसी का 15, 16, 11, 12 अलग अलग तारीख है, उस पर आपका सेमेस्टर शुरू होने वाला है। अब सेशन को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, मेनली फोकस ये सेशन जो है वो किस पर करेगा, सेमेस्टर से रिलेटेड पेपर पर करेगा ठीक है। तो सेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। दो हिस्से मतलब पहला हिस्सा वो है जहाँ पर हम ये समझेंगे हर पेपर में या हर सब्जेक्ट में जिसका 60% या उससे कम आ रहा है तो क्या क्या पढ़ के जाए पेपर में, या आपका वीक सब्जेक्ट है तो आप उसमें क्या पढ़ कर जाएँ और क्या नहीं पढ़ कर जाएँ। और दूसरे सेशन में हम ये देखेंगे, मतलब उसी टाइम पर दूसरा सेक्शन इस बारे में होगा कि जिसका मार्क्स ठीक ठाक आ रहा है तो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कैसे करें ठीक है। सबसे पहली बात, बट ऑब्वियस मैं इसे मराठी से ही शुरू करवाऊंगा ठीक है। हर एक चीज़ को अंदर पहले क्या करना है, हर एक चीज़ को हमको समझना है कि हो रहा क्या है यहाँ पर ठीक है। सबसे पहली बात, ये डल तो नहीं आ रहा ना बोर्ड बहुत, है ना। हाँ सबसे पहली बात हमें पेपर का पैटर्न को समझना है कि पेपर का पैटर्न है क्या। हाँ और उसके बाद ये समझना है कि इसमें से क्या चीज़ें हैं जो हमें पक्की पढ़ के जानी है ठीक। तो अगर हम मराठी की बात करेंगे तो मराठी के अंदर मालूम तो है कि हम ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब ये 80 मार्क्स का बाइफरकेशन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब 80 मार्क का पेपर आता है तो आप ओवरऑल एनालाइज करना शायद भूल जाते हैं। ये पूरा 80 मार्क का बाइफरकेशन है आपको। अब बहुत सिंपल है, जब आप ऐसे फॉर्मेट में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका पेपर काफ़ी सिंपल है। क्यों बताता हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर पहला तो गद्य विभाग है और फिर पद्य विभाग है और स्थूल वाचन। गद्य माने लेसन, पद्य माने पोयम, स्थूल माने रैपिड रीडिंग, बराबर। ये अब देखो, अगर आपको मराठी डिफिकल्ट जाता है तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका मराठी ईजी नहीं जा रहा, डिफिकल्ट जा रहा है, तो ये जो पहला पार्ट है आकलन कृति वाला, ये वाला पार्ट गद्य विभाग वाला, गद्य विभाग में से आप जितना कर सकते हो उतना कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं। जो नहीं आ रहा वो छोड़ दो। हाँ ये अभी सेमेस्टर से 10 दिन पहले बोल रहा हूँ, साल के स्टार्ट से नहीं बोल रहा। इनको मराठी नहीं आ रहा पढ़ने, या इंग्लिश नहीं आ रहा पढ़ने, या हिंदी नहीं आ रहा पढ़ने, लैंग्वेजेस के लिए सबके लिए कुछ ऐसे ही डिसाइड करने वाला हूँ मैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो लेसन का ये पार्ट आप छोड़ दो, नहीं करो। क्यों मैं बताता हूँ रीज़न, कौन सा लेसन आने वाला है फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ़ लेसन क्या है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ पोएम या स्थूल वाचन, तो लेसन क्या है बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद बच्चा इसमें परेशान होता है कि इसमें पढ़ूंगा या पैसेज मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर आपको बिल्कुल भी पैसेज समझ नहीं आता है तो आप जो लिखना चाहो उसमें लिख लो, मतलब जितना एफर्ट डाल सकते हो उतना डालो, बहुत ज़्यादा हैरान होने की बात नहीं है। ये सेक्शन फिर आपके लिए नहीं है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ अभी जो जिनका 60 से कम आता है मराठी में, मतलब 60% से कम आता है उनको मराठी में। दूसरा पार्ट है पद्य विभाग का, ये जो पद्य विभाग का पार्ट है ये पढ़ना है आपको। क्यों पढ़ना है सोचो, आपको मालूम है पोएम का अप्रिसिएशन आएगा ही पेपर में, ये कन्फर्म है, और ये याद करने वाली चीज़ है ना, रटने वाली चीज़ है, आने ही वाला है पोएम। मुश्किल से पूरी मराठी होगी, कितनी होगी पोएम, 5, कितनी होगी, 4, 5, 7, 8, कितनी पोएम होगी, 8 पोएम है टोटल, 8 पोएम पक्का। हाँ तो ये आपको फिर पढ़ना ही है, ये छोड़ नहीं सकते आप। 8 पोएम की अप्रिसिएशन आपको करना ही है, ये पूरी बुक में है। अभी 10 दिन में आपको कितने करने हैं, सिर्फ 4। अगर एक दिन में भी आप 2 करेंगे तो 2 दिन में आपका पक्का हो जाएगा, 4 पोएम आपकी पक्की। आपको पोएम का अप्रिसिएशन यानी पढ़ना है, अगर आप ऊपर वाला नहीं कर रहे, आपको पोएम का अप्रिसिएशन बाय एनी मीन्स आपको याद करना, याद करना मतलब रटना है, उसमें ये बहाना मत देना उसमें तो टेक्स्ट बुक आएगी, मैं टेक्स्ट बुक में से लिख लूँगा, है ना, ये सब नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जब समझाने की बारी आती है तब बच्चा दो दो बार समझ के भी समझता नहीं है, और जब लिखने की बारी आती है तो बोलता है हाँ मैं पढ़ के लिख लूँगा, ठीक है, इतना दोगलापन सही नहीं है, है ना ठीक। तो ये आपको ज़रूर करना है, ये जो पद्य विभाग ये आपको दिख रहा है ये आपको करके ही देना है भाई, एनी हाउ ये करना होना है आपके। नेक्स्ट आता है स्थूल वाचन पर, स्थूल वाचन माने रैपिड रीडिंग। हर एक यूनिट में कितने रैपिड रीडिंग है, एक, कितने यूनिट है टोटल, 4, तो कितने रैपिड रीडिंग है, 4। अब रैपिड रीडिंग के टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 3, 3 में से कितने करने हैं, 2। अब गौर से ध्यान सुनना मैं क्या बात बता रहा हूँ, आपको 4 रैपिड रीडिंग है, जो आपको 3 क्वेश्चन आएंगे वो तीनों अलग अलग लेसन से होंगे,
ऐसा तो नहीं करेंगे कि सेम लेसन से क्वेश्चन आएगा, बराबर है। यानी कि अगर चार रैपिड रीडिंग है तो चार में से कोई तीन को पढ़ लो, कितने पढ़ लो, तीन को, एक रैपिड रीडिंग मत पढ़ो क्योंकि लिखने तो कितने हैं, दो ही है। कोई भी कॉम्बिनेशन से पढ़ोगे, 1 2 4 भी पढ़ोगे तो भी आपको उसमें मिल जाएगा 1 2 या 1 4, है ना। तो कोई भी तीन रैपिड रीडिंग पढ़ के रख लो, पढ़ के रख लो मतलब उसका टिब्बा लिहा या एक्सप्लेन करने के लिए जो आता है, और रैपिड रीडिंग के ब्रीफ की जितनी लेंथ होती है, बड़ी लेंथ होती है ना ब्रीफ की, वो होना चाहिए। तो यानी कि चार रैपिड रीडिंग है, चार में से कितने पढ़ने, तीन रैपिड रीडिंग पढ़ने। पोएम अगर टोटल 8 है तो 8 करनी है, 8 और 3 कितना हो गया, 11। ये पूरी बुक की बात बता रहा हूँ। अभी सेमेस्टर में 2 ही रैपिड रीडिंग आ रहे, वो दोनों कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वाले टर्म में सिर्फ एक रैपिड रीडिंग पढ़ना पड़ेगा, और इतना करना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप ज़रूर ज़रूर कैसे ना कैसे करके कर ही लेंगे, है ना। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी ना किसी तरह जाके आप इस रैपिड रीडिंग को तो पूरा करेंगे ही, है ना। तो जिनका मराठी वीक है या इनको कम आ रहा है तो वो उनके लिए हो गया। नीचे वाले प्रश्न पर आते हैं, व्याकरण कृति पर आते हैं, ठीक है। अब व्याकरण यानी कि ग्रामर, अब ग्रामर कई बच्चों को कैसा है ना, उनको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरी मान कर चलो हिंदी का ग्रामर ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू मराठी। क्यों? क्योंकि हिंदी में नंबर ऑफ ग्रामर के टॉपिक्स क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मराठी। तो मराठी का ग्रामर काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू हिंदी, ये बात को याद रख लेना। तो यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है, ये टॉपिक्स ग्रामर के है और उसको ज़रूर करना। क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहला टॉपिक तो क्या है, वाक्य प्रकार ओड़खा, कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है वो बताना। चार टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं आपके पास, कौन से, विधानार्थी होता है, प्रश्नार्थी होता है, उद्गारवाचक होता है और अज्ञेयार्थी होता है। ये चार ही होते हैं, बस वो पहचानना और लिखना, उसमें कुछ भी नहीं है। वाक्य रूपांतर करा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करना है ना, वो करके देना है। वाक् प्रचार है, ठीक है, वो आएगा, क्या नाम है, मीनिंग आएगा, उसको लिखना है। और ये तीन यहाँ पर, ये दो तीन चीज़ें इसको छोड़ना मत। देखो ये 8 मार्क का बन रहा है और ये कितने मार्क का बन रहा है, ये भी आपका कितना बन रहा है, 8 मार्क का। टोटल ग्रामर कितने मार्क का बन रहा है यहाँ पर, 16। यानी भाषा अभ्यास यानी कि वोकैबलरी, ग्रामर और वोकैबलरी मिलाकर 16 मार्क का बन रहा है। अब ये 16 मार्क को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसके दो रिसोर्स हम आपको देंगे। एक पहला नवनीत 21 का जितना ग्रामर है हम आपको PDF बनाकर दे देंगे, अगर आप बुक ले लेते हो तो बहुत अच्छा है, अभी से वो किताब खरीद लो अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो आपको PDF हम लोग देंगे, ले लोगे तो अच्छा है, कंजूसी मत करना, अगर ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो। उसमें से जितना भी ग्रामर है सब कम्प्लीट करना, आगे भी कुछ वर्कशीट्स हम आपको देंगे इंशाल्लाह, ईयर के एंड में बहुत कुछ करना बाकी है अभी, ठीक है। तो वो वर्कशीट दी जाएगी, उतना आपको कम्प्लीट करना है ग्रामर, उतना आपने समझ के कर लिया, ये 16 मार्क आपके पक्के हो गए। अब तक काउंट करो कितने मार्क हुए पक्के, यहाँ पे 16 मार्क हुए पक्के, ये पोएम ओवरऑल कितने मार्क किए, 16 किए। मान लो 16 में से तुम 13 ला रहे हो, यहाँ 16 और 13 कितना हो गया, 29 हो गया। स्थूल वाचन 6 मार्क्स का है, कितना हो गया, 35 हो रहा है ना, 35 मार्क्स यही। मतलब आप लेसन नहीं भी कर रहे हो तो लगभग लगभग आधा पेपर कर रहे हो इधर ही, अभी पेपर ख़त्म नहीं हुआ है, आगे है। यहाँ पे कितना मार्क हो रहा है, 35 मार्क्स हो रहा है ना। आप लेसन को नहीं हाथ लगा रहे हो अभी, आप लेसन को जो आया आपको आया लेसन में से, नहीं आया नहीं है, आप बिना लेसन को इसको यहाँ तक पहुँच रहे हो। यानी कि अब जब मराठी पढ़ने बैठोगे तो आप लेसन वाइज नहीं पढ़ोगे, आप सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। कैसे सेक्शन वाइज, पहले आप क्या पढ़ेंगे, पोयम, फिर क्या पढ़ेंगे, रैपिड रीडिंग, फिर क्या पढ़ेंगे, ग्रामर, फिर क्या पढ़ेंगे, भाषा अभ्यास यानी कि वोकैबुलरी। भाषा अभ्यास में क्या आता है, ये आता है। क्या ये मैं सबको आपको PDF दूंगा ग्रुप पे, नहीं दूंगा, नहीं प्लीज़ बोलना पड़ेगा, मजाक कर रहा हूँ, अरे दे दूंगा जब तक वो एक म्यूजिक आती है ना, वो टैन टैन हाँ आगे देखो भाई, इधर देखो। अब भाई इसमें कोई कुछ नहीं है, देखो 35 मार्क हो रहे, 80 में से 35 की बात कर रहा हूँ, 20 तो स्कूल से मिलेंगे, 35 और 20 कितना हो गया, 55। अरे सोचो कभी आए भी थे क्या 55 मराठे फिर 55 मार्क आ रहे हैं, 55 मार्क। थोड़ा सा समझ के पेपर को पढ़ना है, लेसन का टेंशन हट गया, कितना बड़ा टेंशन हट गया ना, लेसन हट गया मतलब क्या, 50-60% बुक हट गई तुम्हारी। चलो इतना अच्छा पेपर पैटर्न है, पता नहीं कैसे तुमको लगता है कि डिफिकल्ट है मराठी। अब ये है कि तुम हाँ इसमें नाटक करोगे कि अब मेरे को याद नहीं हो रहा, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, अल्लाह अल्लाह बहुत हार्ड है, तो फिर नहीं होने वाला। हाँ अरे वो वाला बहुत हार्ड नहीं। हाँ आगे देखो, अब ये आता है
पत्र लेखन क्यों, सारांश लेखन, सारांश लेखन माने समरी राइटिंग। अब अक्सर बार ये होता है कि आपको टॉपिक समझ ही नहीं है, कई बच्चों को इंग्लिश का लेटर का टॉपिक नहीं समझता, कई को हिंदी का नहीं समझता और कईयों को मराठी का नहीं समझता। तो इन दोनों में ऑप्शन है, तो जिनको पत्र या पत्र के फॉर्मेट दिमाग में नहीं जाते वो सारांश लेखन करें। सारांश लेखन बहुत सिंपल होगा, आपके पास एक पैराग्राफ होगा, आप बोलेंगे सर वो नहीं समझता है, तो ये पैराग्राफ की समरी। सारांश लेखन का मतलब क्या होता है, समरी लिखना। अच्छा समरी में क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो सिम तुम लोग क्या करते हो, वही पैराग्राफ उठा के लिख देते हो क्या, तो क्या करते हो वो क्वेश्चन का तुम मना के लिख रहे हो, ठीक है वो तो तुमको टीचर ने सिखाया है, ठीक है। समरी होती क्या है पर वैसे, कभी कोई किताब खरीदने जाओगे ना, कभी कोई किताब खरीदने जाओगे ना, मतलब टेक्स्ट बुक के अलावा कभी जिंदगी में थोड़े पैसे डाल के किताब खरीदो जाके, तो उसमें अभी वो पूरी बुक में क्या लिखा है वो कैसे मालूम पड़ेगा, पीछे उसकी समरी लिखी होती है छोटी, मतलब वो 5 लाइन में बताओ कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 5-6 लाइन के अंदर वो बुक में डिस्क्राइब करना है। तो बस अगर वो 5 लाइन का है या 10 लाइन का पैराग्राफ है तो उसको 3-4 लाइन में वो कंसाइज फॉर्मेट में लिखना है, वो फॉर्मेट मैम ने तुमको जो भी बताया लिख लो। तो जो लोगों को पत्र से दिक्कत है वो सारांश ही पढ़ेंगे, साल भर पत्र नहीं पढ़ेंगे। अब सारांश पे सारांश प्रैक्टिस करते जाओ, सारांश लो कई सारे, 15-20 सारांश कर लो, तुम्हारा हाथ इंशाल्लाह बैठ जाएगा उसमें, 15-20 सारांश उठाओ और करना। अब तुमको लग रहा होगा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ भाई करनी तो पड़ेगी, 15-20 सारांश से कुछ नहीं होगा, एक दिन बैठो सारांश लेखन पढ़ लो, पक्के हो जाएंगे। कितने मार्क का है, 6 मार्क का है, वहाँ पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें से 3 में से कोई 2 लिखना है, जाहिरात बातमिया कथा लेखन, बराबर है। अब मुझे मालूम है इसमें तुम बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं करोगे, अगर तुम्हारा मराठी वीक है तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं करोगे, इसमें जितना आता उतना आने दो, तुम इसमें जो लिख सकते हो लिख कर आ जाना। लास्ट आता निबंध लेखन, ठीक है। अब निबंध में 3 टाइप आते हैं, प्रसंग, आत्मकथन और वैचारिक। इसका मीनिंग तो मुझे नहीं मालूम, आत्मकथा का मतलब होता है बायोग्राफी और वैचारिक का मतलब होता है कोई थॉट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुमरा साफ सुथरा होता तो, हाँ यदि मैं टीचर होता तो कूट देता पकड़ के क्या होता है, अच्छा अपना ओन एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है। आत्मकथा में क्या होगा, यदि मैं पेड़ होता, यदि मैं साइकिल होता, ऐसे मतलब मराठी में आएगा वो। तो अब आप क्या करना, यानी आपको समझना है कि निबंध के भी 3 टाइप आएंगे, कितने टाइप आएंगे, 3 टाइप आएंगे। अगेन कॉम्पोजिशन की बुक्स आती हैं मार्केट में, अलग अलग पब्लिकेशन की अवेलेबल है, तो उसमें से कोई भी एक पब्लिकेशन उठा लो, बेटर होगा कि नवनीत को उठा लो, एक पब्लिकेशन उठा लो, उसके अंदर ये इसके टाइप्स होंगे, कोई एक टाइप को पढ़ डालो, आत्मकथा के जितने निबंध है उसको पढ़ डालो, आत्मकथा के जितने निबंध है उतने पढ़ डालो, और उसी सेक्शन में जहाँ जो बुक खरीदोगे ना उसी में लास्ट में कुछ टॉपिक्स भी होते हैं असाइनमेंट के लिए, अगर वो नहीं लिख पा रहे हो तो उसको चैट GPT पर डालो, उसको बोलोगे मराठी में लिख कर दे दे, शायद वो मराठी में लिख कर देता है, हिंदी में तो बात करता है, करता करती जो भी है, ठीक है, और मराठी में लिख कर देता है। तो इसमें से यानी कि निबंध में से भी कोई एक टाइप पक्का कर लो। कितने निबंध करने पड़ेंगे, अगेन ये 20 का फिगर याद रखो, कम से कम 20 एक ही टाइप के निबंध करना, अगर वैचारिक करे तो वैचारिक, प्रसंग करे तो प्रसंग, आत्मकथन करे तो आत्मकथन, दूसरा कोई टाइप का निबंध उठाना नहीं है, उसी टाइप का निबंध करना, बराबर। पीछे से 35 मार्क हुए थे, बराबर, इसमें से मान लो तुमको सारांश लेखन में 4 मार्क मिले, कितने हुए, 39 हुए, अप्रॉक्सीमेट 40 पकड़ लो, ये दोनों ये मिलाकर 10 मार्क का है, मान लो कि 5 मार्क मिल रहे, आधे मिल रहे, कितने हो गए, 45 हो गए, या 8 मार्क का इसमें से 4 पकड़ लो, कितने हो गए, 49 हो गए समझ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट काट कूट के पकड़ लो, इतने मार्क का अटैम्प भी कर गया कि तुमको 45 मिल गया, 45-46 नंबर मिला, 45 और 20 इंटरनल स्कूल का मिलाओ, कितना हो गया, 80 में से 65 है कि नहीं, डिसेंट नंबर है ना, मैंने ये काउंट ही नहीं किया, मैंने यहाँ का 18 मार्क काउंट ही नहीं किया, और सब में से काट काट के काउंट किया, याद रखना, सब में से मैंने काउंट काउंट करके याद किया है, यहाँ से काटा है मार्क्स, यहाँ से काटा है, हर जगह से कट कट करके काउंट किया। अब बताओ, अब मुझे बताओ कि मराठी में याद करने के लिए चीज़ें क्या है, मराठी में याद करने के लिए सिर्फ ये 2 चीज़ें, ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, ये भी याद करने के लिए छोटा छोटा 1 वर्ड वाले आंसर, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है, ये याद करना है, ये सब प्रैक्टिस है, ये सब प्रैक्टिस है, कुछ भी याद नहीं करना, बताओ याद क्या करना है खाली मराठी में, 3 रैपिड रीडिंग याद करने और पोएम के अप्रिसिएशन याद, अगर जिनका मराठी वीक है उनके लिए बस हो गया, इतना ही था वो, आँख खुली, बात समझ नहीं, जब आप पेपर पैटर्न देखेंगे तब तो आपको समझ में आएगा, जब तक आप देखेंगे नहीं तो कैसे समझ आएगा, ठीक है।
अब जिनका मराठी अच्छा है उनको क्या करना, या जिनके 60 के ऊपर नंबर आने या जिनको 80 में से 70 स्कोर करना है उनको क्या करना है? सबसे पहली बात, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, है ना, ऑब्वियस ही बात है। अगर आपको 70 के ऊपर जाना है तो आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे उसके अंदर। दूसरी बात ये है कि जब अब इसके प्रैक्टिस कैसे करना है, जिनके और मार्क्स इम्प्रूव करें उनको सिंपली एक टेक्निक अपनानी है, किसी भी लैंग्वेज के लिए, चाहे हिंदी इंग्लिश मराठी किसी भी लैंग्वेज के लिए, आपको एक बुक खरीदनी है। अब चाहे वो नवनीत की खरीदो, टारगेट की खरीदो, या मार्केट में कोई और बुक अवेलेबल हो, उसका बुक को सॉल्व करना शुरू कर दो, उसके बुक को सॉल्व करना शुरू कर दो, वो सब कुछ सॉल्व करना है आपको, सब कुछ। ये सेक्शन को पक्का करने के लिए आपको सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो अगेन याद ही करके जाना है जैसे उनका हुआ। यहाँ वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट, इसमें जो लोगों का 60 से ऊपर आ रहा है उनको 16 में से 16 मिलने चाहिए। पिछले सालों में कई सारे टॉपर्स ने हमारे पूरे 16 में से 16 नंबर लिए, इसमें एक भी नंबर कटा नहीं। क्यों? सही है तो सही, गलत है तो गलत, है ना। इसमें मिड वाला मार्क्स थोड़ी मिलता है कि आधा मिलेगा, नहीं होता, पूरे 16 मार्क होने चाहिए। क्यों? PDF देता हूँ मैं, उसको भी पढ़ो और एक्स्ट्रा सोर्स से भी पढ़ो। आपको सोर्स नंबर ऑफ लैंग्वेजेस के लिए बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि वो आपके मार्क्स वहाँ पर इंक्रीज कर सकता है। यहाँ पर वो जैसे मैंने बोला था, ग्रामर की एक बुक आती है जिसमें कंपोजिशन और ये सब लिखा होता है, आपको बहुत नंबर ऑफ कंपोजिशन करने पड़ेंगे। वो पूरी बुक में जितने कंपोजिशन है जितने लेटर सब देख लो, याद नहीं करने बोल रहा हूँ, देखने बोल रहा हूँ। देखने का मतलब क्या है, बार बार पढ़ेंगे तो एक अंदाज़ा होगा। जैसे कि कंप्लेन लेटर लिखना है तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मराठी में कंप्लेंट को बोलते क्या है, तरकार पत्र बोलते हैं ना, त और करार, तरकार पत्र बोलते हैं। अब एक कंप्लेंट लेटर में क्या क्या होना चाहिए, 5-6 कंप्लेंट लेटर देखोगे तो अंदाज़ा होगा, वरना उससे पहले तो अंदाज़ा नहीं होने वाला है, बराबर ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको जाना है और ये सब आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लास्ट बात, जिनको 60 से ऊपर नंबर चाहिए उनको प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा करने का मतलब कितने प्रैक्टिस पेपर, कम से कम बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पूरे सिलेबस के आपको 6 से 7 मराठी के पेपर देने पड़ेंगे। एक पेपर 80 मार्क का होता है, 7 पेपर यानी ये कितना हो गया, 7×8=56, 560 मार्क का मराठी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे बाहर खुद से, और 2-3 पेपर आप स्कूल और क्लासेस में देंगे। ओवरऑल अगर 1000 मार्क का मराठी प्रैक्टिस करके गए आप, या 800-900 मार्क का मराठी प्रैक्टिस करके, कोई उसमें वो नहीं है, फिर आपका इंशाल्लाह मार्क्स आएगा। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा टास्क दे रहा हूँ तो मैं नहीं, ये कॉमन है, जो बच्चों को 90 के ऊपर लाना होता है वो उतना पढ़ते हैं। अगर आप मेहनत करने से पीछे हटेंगे तो आपके मार्क्स भी पीछे आएंगे, सिंपल है। आप गिन गिन के सोचेंगे और इतने पेपर देने पड़ेंगे क्या, हाँ तो उतने पेपर देते हैं बच्चे। जब तक पूरे प्रैक्टिस नहीं होता आपको देने, और मराठी में पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा बोर्ड में, याद रखना, उसमें आपको टाइम जाएगा। और किसका कंप्लीट होगा पेपर, जिसने बहुत सारे पेपर बोर्ड से पहले दे चुके होंगे उसी का मराठी कंप्लीट होने वाला है प्रॉपर टाइम पे, वरना बाकी किसी का कंप्लीट नहीं होगा मराठी पेपर, उसको ध्यान में रखना। मराठी से रिलेटेड कुछ और पूछना है तो पूछो, वरना मैं दूसरे सब्जेक्ट पे जाऊंगा। अभी कुछ पूछना है मराठी से रिलेटेड तो पूछ लो। ठीक है, चलो, ये रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूँ, ये नमूने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे बड़े बड़े लोग आए नहीं है ना, ठीक है, कईयों की नींद ही नहीं खुलती है भाई, कैसे आएंगे सुबह में, बार बार बोल के भी थक गए, क्या करेंगे। वही एंड में वही होएगा, जो अच्छे बच्चे होंगे उनको लेके मैं पढ़ाऊँगा अलग से बाद में बैठा के, हाँ, जो अटेंडेंस में दिखेंगे, मार्क्स में दिखेंगे, पढ़ाया जाएगा। जिनको सोना है वो सोते रहे, सुबह सोना है 7 बजे सोते रहो, मैं तो 7 बजे बुलाऊँगा बाद में, जब स्कूल ख़त्म हो जाएगी, दिवाली का ज़्यादा स्कूल नहीं आना है, याद रखो। चलो, ये है इंग्लिश का पेपर, कल आपने दिया है ना, अब कईयों को लग रहा है इंग्लिश क्या है, ये तो मेरे बाएं हाथ रखे, मैं तो ऐसे ही कर लूँगा, कल के पेपर क्या ज़्यादा उड़ी आ रही होगी, ठीक है, फॉर्मेट समझ लो, ऑल दो इंग्लिश ईजी। देखो यहाँ पे साइड में क्या लिखा है, दिख रहा है क्या लिखा है, हर सब्जेक्ट के लिए टाइम लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले एक मिनट, हाँ सुनो, हर सब्जेक्ट में हर क्वेश्चन के लिए एक्चुअली टाइम होता है कि इतने टाइम में आपको करना है। सबसे पहले लैंग्वेज स्टडी आता है पेपर में, जो आपने कल किया है बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आने चाहिए। इन्फिनेटिव निकालना हुआ, जेरंड निकालना हुआ, पार्टिसिपल निकालना हुआ, नो सोनर देन लगाना हुआ,
और सारा का सारा करना है। अब उसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, अगेन पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें से आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा आता है ये टेक्सुअल पैसेजेस के बारे में आता है। जब हम टेक्सुअल पैसेजेस की बात करते हैं तो टेक्सुअल पैसेजेस और अनसीन यानी नॉन टेक्सुअल पैसेज में डिफरेंस क्या होता है? टेक्सुअल पैसेजेस ऑब्वियसली बुक से आता है, नॉन टेक्सुअल बुक से नहीं आता। उसके अलावा हमें एडवांटेज क्या है टेक्सुअल पैसेज और अनटेक्सुअल पैसेज का, एडवांटेज क्या है? अरे टेक्सुअल पैसेज रहेगा तो तुमको ज़्यादा वो पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर मिलना चाहिए। पर यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सीन और अनसीन हमारे लिए दोनों अनसीन होता है। हाँ बीच में आता उल्टा, अरे ये क्या आ गया, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, है ना? ये नहीं होना चाहिए। आपको एक लेसन आप दो बार पढ़ते हैं, ठीक है? तो दो बार अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सीन पैसेजेस का एडवांटेज ये होता है कि आपके आंसर जल्दी मिलने चाहिए, आपको पैसेजेस में टाइम नहीं लगाना, और आपको ज़्यादा इंटरप्रेट करना आना चाहिए, क्योंकि आपने एक बार उसका इंटरप्रिटेशन स्कूल के टीचर से सुना है, एक बार कोचिंग के टीचर से सुना है, तो आपको खुद का इंटरप्रिटेशन उसमें लिखने आना चाहिए, टेंथ क्रॉस करने वाले। तो ये बात हो गई यहाँ पर टेक्सुअल पैसेज की। दूसरी बात, इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है, जो बच्चे उसको बिल्कुल नकार देते हैं। अगर आपका इंग्लिश का टेक्स्ट बुक एकदम कोरा कागज़ है, वो वैसे का वैसे ही है, ना उसमें मीनिंग लिखे हुए हैं, ना ऊपर जो बॉक्स और एक्टिविटी है चैप्टर के लेसन के स्टार्ट में होती है ना, अगर वो सॉल्व करी हुई नहीं है, लेसन के पीछे के क्वेश्चन आंसर और ग्रामर सॉल्व करा हुआ नहीं है, मतलब आपने इंग्लिश अभी भी पूरा नहीं पढ़ा। आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके ग्रामर इंटेक्स बॉक्स वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आपने कम्प्लीटली उसको खाली छोड़ा है तो नहीं होने वाला। क्या उसमें से आता है? हाँ, उसी में से बहुत कुछ आता है। आपको लगता है कि तो नया आया है कुछ, पर अक्सर चीज़ें इंग्लिश में वहीं से होती है। तो टेक्स्ट बुक को सॉल्व करो उसके बैठ के, वो बुक लेने से भी एक बेटर आइडिया कि उसके टेक्स्ट बुक को सॉल्व किया जाए। पोएम का अप्रिसिएशन आएगा और पोएम का एक एक्सट्रैक्ट आएगा। कल आपने जैसे देखा पोएम के दो आते हैं, एक में अप्रिसिएशन लिखना होता है, दूसरे में क्या करना होता है? हाँ, तो इसमें भी कोई, मेरे को लगता नहीं इसमें कोई स्ट्रैटेजी बताने की ज़रूरत है, सभी लिखते हैं आप लोग तो इसमें, क्योंकि पढ़ के तो कुछ जाना नहीं है खाली अप्रिसिएशन के अलावा। नॉन टेक्सुअल पैसेज आएगा, समरी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन आएगा, समरी अगेन 8-10 समरी लिख लोगे तो आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? लेटर राइटिंग है, बिल्कुल भी मत छोड़ना लेटर राइटिंग। आपको टीचर ने क्या बोला है, फॉर्मल अटेम्प्ट करें या इनफॉर्मल? हाँ, मेरी भी राय यही है कि फॉर्मल ही अटेम्प्ट किया जाए। फॉर्मल अटेम्प्ट करने में एक वो क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, कंटेंट थोड़ा कम होता है, दूसरा भाषा पोलाइट होती है, और वो जो है वो जल्दी ख़त्म होता है लेटर। इनफॉर्मल में थोड़ा बड़ा चला जाता है। अगर आप लिखने के बहुत आदी है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपका ग्रामर अच्छा है, वोकैबुलरी अच्छा है, तो यू मे गो फॉर इनफॉर्मल ऑल्सो, बट पैटर्न शुड बी क्लियर टू यू कि पैटर्न क्या क्या है, वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र है आपके पास यहाँ पर, नॉन वर्बल टू वर्बल या वर्बल टू नॉन वर्बल, ये आपको मालूम है क्या होता है ना, ये सब छोड़ने वाली चीज़ें नहीं है, है ना? इसमें से व्यू काउंटर व्यू भी मालूम होगा, टीचर ने बताया, तो इसमें से कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये लास्ट जो पार्ट है, देखो दो पार्ट होते हैं भाई, अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो दो पार्ट है, एक है राइटिंग स्किल का पार्ट और एक है क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट, ये दोनों अलग अलग। आप समझते हैं कि राइटिंग स्किल पूरा ही है, देखो 5, 5, 10, 15 और 20, ये टोटल मिलाकर यहाँ पर 20 मार्क बन रहा है। क्रिएटिव राइटिंग में आपको एक्सपांशन ऑफ आइडिया और स्टोरी आएगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये आपको ऐसे समझना है कि मेरे को इसमें से 10 में से 10 मिलना ही चाहिए, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इंग्लिश आपके लिए एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। अब मेरे को इसमें बताओ कि कहाँ आपको ग्रामर लिखा हुआ दिख रहा है, हो गया सीमा के यहाँ पे, ग्रामर कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है? लैंग्वेज स्टडी में है ना, और कहाँ मिलेगा ग्रामर आपको? पैसेज में एक एक क्वेश्चन होगा, बराबर है? तो अब सुनो, अब इंग्लिश का तोड़ सुनो। तो जिनको बहुत ज़्यादा ग्रामर से इशू है, जिनको ग्रामर समझ नहीं आती, ये नहीं समझ आता, वो नहीं समझ आता, तो बमुश्किल आपको ग्रामर इसमें कितने मार्क का मिल जाएगा। प्योर वोकैबुलरी को मिक्स नहीं करना ग्रामर में, वोकैबुलरी को मिक्स नहीं करना, हार्ड कोर ग्रामर बमुश्किल आपको 10 मार्क के लिए होगा, 10 या 12 मार्क्स के लिए हार्डली आपको मिलेगा। तो जिनको ग्रामर नहीं आता, वैसे मैं ये नसीहत नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वरना आधे से ज़्यादा पेरेंट्स को हार्ट अटैक आ जाएगा, अरे ग्रामर बोल दिए कि नहीं करो, ठीक है? पर आप 10वीं के एंड में हो, अगर आपको 9.5 साल 10.5 साल में ग्रामर नहीं आया, तो आपके 6 महीने या 4 महीने में भी आपको नहीं आएगा। तो जिनको ग्रामर से खासा दिक्कत है, मत पढ़ो अभी, इसमें ग्रामर को छोड़ दो,
वरना इंग्लिश के पेपर के दिन किसी को अता पता नहीं होता है, कोई बाजू वाली दीदी या भाई लेके तुमको बिठा देगा, बोल ग्रामर पढ़ गया, इंग्लिश में ग्रामर आएगा। कहाँ लिखा है कि अलग से 10 मार्क या 20 मार्क का ग्रामर आएगा? नहीं लिखा हो। तो बिना ग्रामर के भी बहुत कुछ कर सकते हो, जो ये सब है। इसमें सुधार लाओ, इसमें सुधार जल्दी दिखेगा। ग्रामर में सुधार लाने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, अगर अब तक आता है ग्रामर तो अच्छा है तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए। ठीक है, अभी रैंडमली जो जो ओपन हो रहा है मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ भाई, हाँ अच्छा, हिस्ट्री के भी चैप्टर वाइज मार्क्स है मेरे पास, लगभग लगभग अंदाजे से कितने मार्क्स का आता है तो मैं तुमको भेजता हूँ सब। ठीक है, अच्छा ये टेलीग्राम का एक ग्रुप है, टेलीग्राम नाम की एक चीज़ होती है, आप शायद स्नैपचैट वाले तुम लोग, इंस्टा वाले ठीक है, इंस्टा वाले तुम देखो, जैसे व्हाट्सएप करके एक होता है, टेलीग्राम भी होता है, पता ही होगा। लास्ट 1.5 साल से मैं इसी टाइम से यूट्यूब पे एक्टिव रहता हूँ, मतलब यही दिवाली से पहले से थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ। तो मैंने एक चैनल बनाया था जो मेरे नाम पर ही है, और एक ग्रुप बनाया हुआ है जो है मिशन SSC 2024, लास्ट ईयर होगा उसको 25 करना पड़ेगा। ठीक है, ये जाके टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो एक ग्रुप आएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। ग्रुप को ज्वाइन करके होगा क्या बता दो, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी, पैसे की बारिश होगी। ये देखो यहाँ मेरा फोटो है, हाँ यहाँ 1000 लोग हैं इस ग्रुप पे ऑलरेडी, हाँ 1000 बच्चे हैं ऑलरेडी यहाँ पर, यहाँ पे देखते हैं। लास्ट पोस्ट मैंने इस पर किया था, देखो ये सब ज्वाइन हुए हैं बच्चे, ये सब ज्वाइन हुए हैं ये जितने भी, हाँ तो लास्ट मेरा पोस्ट था कुछ इधर 8 जुलाई को था, जुलाई 8 को था। ठीक है, वो भी मतलब वो क्लास का ऐड बना दो, तो उसके बाद से मैंने कोई पोस्ट नहीं किया है। अब इस जब ग्रुप में आप जाएंगे, ठीक है, इस ग्रुप में जाने के बाद आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ फाइल्स आएगी, आप फाइल्स पर जाएंगे तो अब देखिए मैंने कितना कुछ अपलोड किया, तो ये आपके लिए खजाना है। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर 21 सेट है, सारे इंपॉर्टेंट ब्रीफ है, डायग्राम वाले क्वेश्चन है, 5 साल के बोर्ड के पेपर चैप्टर वाइज है, मतलब कार्बन कंपाउंड है तो 5 साल में बोर्ड में कार्बन कंपाउंड के जितने क्वेश्चन होंगे सबका PDF एक साथ है, 5 साल में लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सब एक साथ है। तो ये PDF यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ अपलोड कर चुका हूँ, मैं फिर से इस पर अपलोड करना शुरू करूँगा, तो इसको ज्वाइन करके रखना कि ये बार बार मैं व्हाट्सएप पर नहीं डालूंगा, उसको यहीं पर डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया, तो ये इसलिए बीच में बता रहा हूँ कि ये सारा PDF वगैरह वहीं पर जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, आगे के दो दो जगह तीन तीन जगह डालने का इतना टाइम नहीं है। अच्छा हिस्ट्री पर आ जाओ भाई, हिस्ट्री की जहाँ तक बात करेंगे तो इसमें पेपर पैटर्न से सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ भाई, कितने मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं। चलो बताओ क्या क्या थ्योरी है आपके पास। सर 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट, 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट, कितने पॉइंट लिखने, 2 मार्क के लिए 5 पॉइंट, 2 मार्क 5, 2 मार्क 5। अरे सुनो भाई, अभी मैं तुमको 21 से 2-3 आंसर अभी दिखाता हूँ लाके, ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ लाके, अब उसमें देख के अभी क्लियर हो जाएगा कि कितने मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, ताकि तुमको बात तुम्हारे मोटे दिमाग में जाए। हाँ ये जो है अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर, आंसर इन डिटेल है 83 पेज नंबर पर। ठीक है, पेज नंबर 83 पर है, चलो ये आंसर इन डिटेल है यहाँ पर। हाँ अच्छा सुनो, अब जैसे कि ये वाला था, चलो व्हाट इज़ हिस्टोग्राफी था, तो हिस्टोग्राफी के अंदर उसने थोड़ा सा हिस्टोग्राफी का इंट्रोडक्शन देके 4 पॉइंट यहाँ लिखे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाई इज वोल्टायर सेट टू बी दी फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, मार्च 2019 का क्वेश्चन है, ये डिटेल वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल रहा है, डिटेल वाला क्वेश्चन है। मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ, व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, यहाँ पर 4 पॉइंट है और 4 पॉइंट की लेंथ काफ़ी बड़ी बड़ी है, 4 पॉइंट है यहाँ पर और 4 पॉइंट की लेंथ जो है काफ़ी बड़ी है। अब सुनो एक और एक आंसर दिखाता हूँ मैं आपको,
अप्लाइड हिस्ट्री में एक आंसर है, व्हाट मेथड ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, साइंस आर्ट्स और मैनेजमेंट स्टडी। इसका आंसर इतना बड़ा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आधे पेज का आंसर है यहाँ पर। तो अब बताओ क्या 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 लेंथ लेना है और कितने पॉइंट लेना, क्या लेंथ लेना है आंसर का, इतना इतना इतना, दो पॉइंट, ढाई पॉइंट, पाँच पॉइंट। अरे भाई सुनो ध्यान से, ये ना एक मिथ है और बच्चों को, ये गलत नहीं बोला हूँ, जो टीचर बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोलते हैं, ये बच्चों को एक एक नंबर देने के लिए, एक आसानी देने के लिए बताया जाता है कि दो मार्क के लिए चार पॉइंट लिख दो। अब किसी आंसर में दो मार्क के दो ही पॉइंट है, तो चार पॉइंट कहाँ से लाएगा? अब अगर दो दो पॉइंट तुमने फालतू लिख दिया, तुमने बोल दिया कि मेरे टीचर ने तो बोला था दो मार्क के लिए चार पॉइंट, माय टीचर का स्टूडेंट टू फेवरेट, मैं लिखूंगा, मैं तो चार तो लिखूंगा, नहीं, तुमने फालतू के दो पॉइंट ऐड करेंगे, एग्जामिनर पर इंप्रेशन क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बोलेगा ये तो फेंक रहा है आंसर में, आगे भी आंसर में फेंकेगा। टीचर लोग जब पेपर चेक करते हैं ना, तो अपने पूरे होशो आवाज़ में पेपर नहीं चेक करते, कभी कभी उनको कोई घर का टेंशन होता है, कभी स्कूल का टेंशन होता है, कुछ ना कुछ रहता ही है, इट्स अ वेरी बिजी जॉब। अरे ये रियलिटी बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी बिजी जॉब। तो उसके अंदर जब पेपर चेक हो रहा है, तो क्या पता किसी दिन टीचर का मूड ख़राब हो और तुमने होशियारी मानने के लिए क्या किया, तुमने बोला चार पॉइंट, टीचर ने बोला था अब दो ही है, अब तुमने निकाला दो पॉइंट, मैं उधर से लिख देता हूँ ऊपर के पैसेज से, टीचर को क्या ही मालूम पड़ेगा, वो तुम्हारा आंसर सही भी होगा तो गलत मिलेगा। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है, इसका एक्चुअल आंसर ये है कि जो पूछा गया है वो पूरा लिखो। अब मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के बारे में छः पॉइंट बनना है ना डिटेल में, अगर डिटेल में कार्ल मार्क्स की हिस्ट्री के बारे में छः पॉइंट आ रहे तो डिटेल के अंदर छः पॉइंट कवर करो। अगर मार्क्सिस्ट हिस्ट्री दो मार्क्स के लिए पूछ लिया तो अब टोटल तो छः पॉइंट है, पर दो मार्क के लिए पूछा तो कम से कम कितने लिखेंगे, चार पॉइंट लिखेंगे। अगर किसी में जैसे एक क्वेश्चन आया था उस दिन डार्विन के ऑब्जेक्शन वाला, ऑब्जेक्शन और डार्विन थ्योरी, अगर डार्विन के ऑब्जेक्शन ही चार है तो आप किताब में अगर चार ऑब्जेक्शन है तो आप चार ही लिखेंगे, अगर मैं डिटेल में दे दूँ तो भी चार ही आएगा, दो मार्क के लिए दे दूँ तो भी चार ही आएगा। आंसर पूरा लिखने की बात है, पॉइंट पर नहीं डिपेंड करता, आंसर पूरा होना चाहिए। अगर किसी आंसर के दो मार्क के चार पॉइंट बनते हैं छोटे छोटे तो लिख दो, आंसर के लिए पॉइंट नहीं, पॉइंट्स में तो आंसर लिखना है और उसके वर्ड्स काउंट होते हैं कि लगभग लगभग वर्ड्स कितने लिखे गए, 100 वर्ड, 75 वर्ड, ऐसा होता है, समझे? इससे तो आप पता नहीं लगा सकते ना, इससे क्या पता लगा आपको, पॉइंट फिक्स है कि, अगर पॉइंट फिक्स होता तो हर डिटेल का आंसर कितने में लिखता, 8 पॉइंट में लिखता ना, 4 मार्क का है, 3 मार्क का है तो 6 पॉइंट लिखता, हर हर एक में आपको 6 पॉइंट तो नहीं दिखाई दे रहे। आप देखो यहाँ पर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड टू द हेरिटेज प्रोजेक्ट, मार्च 2019 का क्वेश्चन है, कितने पॉइंट लेगा, 4 पॉइंट लेगा, तो 2 मार्क मिलेगा क्या? अरे 4 पॉइंट का लेंथ भी देखो वहाँ पर, अगर टेक्स्ट बुक में वो कॉन्टेंट है तो, अरे टीचर लोगों को ना क्वेश्चन पेपर के बाद आंसर की मिलती है, तो जब आंसर की मिलती है तो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही मिलेगी, तो टेक्स्ट बुक में जितना लिखा है वही उन लोगों को भी लिख कर दिया जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि टेक्स्ट बुक की पूरी बात आपको वहाँ रखनी है। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर 6 पॉइंट बन रहे हैं तो आप डिटेल में 6 पॉइंट लिखेंगे, वहाँ 4 पॉइंट लिखे तो मार्क्स कटेंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है कि 4 मार्क में आप सब कुछ बताएं कार्ल मार्क्स के बारे में। ये तो आंसर के कोई पॉइंट फिक्स नहीं होते, याद रखना, कहीं पर अगर फिक्स होते तो यहाँ पेपर पैटर्न में वो लिख देता आपके लिए, क्यों नहीं लिखता, समझना है? तो ये हुआ। अब मैं थोड़ी देर इसी बंद कर रहा हूँ, मेरे को सर्दी लग जाती है सुबह में। हाँ आगे देखो, अब ये होने के बाद नेक्स्ट, ये यहाँ पर आपके हिस्ट्री का फॉर्मेट है, पहले करेक्ट ऑप्शन है, रॉन्ग पेयर है, कॉन्सेप्ट मैप है, शॉर्ट नोट है, स्टेटमेंट विद रीजन है, रीड द एक्सट्रैक्ट, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, ठीक है ना? अगर आप देखेंगे तो विदाउट ऑप्शन आपको 28 मार्क का है, विद ऑप्शन आपको 42 मार्क का है, 42 मार्क्स का है। अगर आप सेमेस्टर की अभी तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टिप देने की ज़रूरत है, जितने लेसन है कोशिश करो कि सारे के सारे पढ़ो। पहले क्या कवर करना है, टेक्सुअल, क्या हिस्ट्री में नॉन टेक्सुअल आता है क्या? यहाँ जो दिख रहा है ना ये 2-3 पार्ट, इसमें से ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट मैप वगैरह आपको एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा मिल जाए, वरना ये भी नहीं होता मेजॉरिटी टाइम, ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, टेक्स्ट बुक से मिलेगा, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव हल्का फुल्का बाहर से हो सकता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर राइट फ्रॉम द टेक्स्ट बैक, तो टेक्स्ट बैक पढ़ लो, हिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत स्कोरिंग है। इसी के अंदर पॉलिटिकल साइंस है, अगेन अगर किसी को हिस्ट्री में भी लाले पड़े हैं उसके नहीं हो रहे तो पहले दिमाग लगा के पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस में लेसन कितने, 5, और हिस्ट्री का कंपैरिजन में पढ़ना कम है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली लेसन पर कंटेंट भी क्या है, कम है, पढ़ना भी कम है। तो सबसे पहले जिनके हिस्ट्री के लाले पड़े हैं भाई वो
उसको पूरा कर ले। किसको पूरा कर ले? पॉलिटिकल साइंस को। क्यों? 12 मार्क है ना यहाँ पर, 5 लेसन पढ़ के 12 मार्क पक्के, पांचों भी नहीं पढ़ने क्योंकि यहाँ पर भी हर एक में क्या है ऑप्शन है। तो 5 में से कितने लेसन पढ़ेंगे? अगर 4 भी लेसन पढ़े तो नैया पार है, 4 भी लेसन पढ़े तो भी तो 12 मार्क है ना। ऑब्जेक्टिव में तो खाली मार्क्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव सबके पढ़ने, बाकी बड़े आंसर सिर्फ 4 लेसन के पढ़ने, 1 लेसन उसमें भी ऑप्शन में छोड़ सकते हो, और क्या चाहिए, है ना। इसमें अगर आप 40 का है तो आप, अगर हिस्ट्री आपका कमज़ोर भी है तो 30 आना चाहिए, हिस्ट्री अगर आपका अच्छा है तो कम से कम आपके 35 के ऊपर मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया, ये बता दी मैंने आपको बात है। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछ लो, पूछना है तो पूछ लो भाई, हाँ जल्दी। पूछना है तो पूछ लो भाई, ये साइंस टू का पेपर पैटर्न है। अब यहाँ पे खुलासा होगा आपके लिए, साइंस टू के लिए एक अचानक भयानक खुलासा होगा आपके लिए यहाँ पर, तो देखो ज़रा। सबसे पहले तो देखो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इंट्रोडक्शन है जो अपन निगलेक्ट कर देते हैं, जा नहीं पढ़ते, ठीक है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, जो जो यहाँ लिखे होंगे। ड्रॉ साइंटिफिकली टेक्निकली करेक्ट लेबल डायग्राम, आपको बोला गया गले का डायग्राम बनाने, आप हाथी के पेट का डायग्राम दिख रहे हो, बोले ये आपके गले का, बोला भैंसा बना रहे, बोले बकरी में भैंसा देखा था उसका गला, तो वो बना रहे, तो नहीं चलेगा। स्टार्ट राइटिंग ईच मेन क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, मालूम है नया क्वेश्चन नए पेज पे लिखना होता तो स्कूल के टीचर इतना बता ही देते हैं, ठीक है। देखो, फॉर ईच MCQ 1A इवैल्यूएशन विल बी डन फर्स्ट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। इसका मतलब समझे, पांचवे पॉइंट का मतलब क्या है, MCQ लिख के काट दिए, सही लिखे नहीं काउंट होगा, जीरो मिलेगा। MCQ में रॉन्ग नहीं कर सकते, पहला आपने लिखा फिर आपके दोस्त ने बताया, अरे तीसरा है दूसरा है, मैंने तेरे को बोला था मैं ऐसे करूँगा तो दूसरा है तूने, और ऐसे करूँगा तो पहला है, तूने लेफ्ट राइट देखा नहीं। तो अगर आपने MCQ लिख के काट दिया, बच्चा एग्जाम में बैठने से पहले सेटिंग लगा लेते ना, बोले ऐसे ऐसे करूँगा मैं, यो 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 करूँगा तो नहीं आता है, ठीक है। तो देखो तो अरे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर MCQ लिखा और काट दिया, जीरो मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट MCQ आंसर इस फॉर्मेट में लिखना, दिख रहा है, 1 का A 2 का C, ये याद रख लो, बार बार आप पूछना नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर A है तो वो लिखना है, 2 का आंसर C है वो लिखना है, दिखाई दे रहा है। अगर कुछ पैटर्न, ये पुराने 21 का पेपर पैटर्न है, कुछ नए में होगा तो नए वाले 21 में लिखा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये इस तरह से MCQ का आंसर लिखना है। अब अगर किसी को स्कूल में बोला है कि 1 के आगे A के आगे आंसर भी लिखो, तो कोई हर्ज नहीं है, पर ये पैटर्न होना चाहिए, ये लिखा होना, जितना जो बोर्ड वाला बोल रहा है ना वो उतना फॉलो करना। नीचे पेपर पैटर्न है आपका, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे टेक्स्ट बुक बेस्ड, यानी कि कहीं से भी होंगे, ठीक है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़रूरी है। 5 क्वेश्चन आपके होंगे 1 मार्क्स के लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होगा, हर क्वेश्चन विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप, याद है ना, साइंस 1 का पेपर देंगे तो 1 क्वेश्चन ऑड वन आउट हो सकता है, 1 कोरिलेशन हो सकता है, 1 डिफाइन हो सकता है, 1 नेम द फॉलोइंग हो सकता है, 1 ऑड वन आउट हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 3 साइंटिफिक रीजन होंगे। अब ध्यान सुना, यहाँ खुलासा क्या है, साइंस 2 में 2 पार्ट है, 1 बायोलॉजी और 1 EVS। साइंस 1 में 2 पार्ट है, कौन सा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये पूरे 10 चैप्टर की बात कर रहा है यहाँ पर, 3 साइंटिफिक रीजन जो होंगे Any 2, मिनिमम 1 क्वेश्चन बायो का होगा और 1 क्वेश्चन EVS का होगा, क्या समझे इससे, 3 क्यू रीजन आएंगे आपको, कितने क्यू रीजन आएंगे, 3, तो 1 EVS का आएगा और 1 बायो का आएगा, तो यानी कि जिसको बायो याद नहीं होता वो EVS अच्छे से याद करे, क्यों, क्योंकि अगर क्यू रीजन में 2 आ गए EVS के तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, क्यों, तुमने बायो का कोई भी क्यू रीजन नहीं पढ़ा, बायो समझ रहे हो ना, बायो के कौन कौन से चैप्टर है, पहला दूसरा तीसरा, वो बायो के चैप्टर है, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये किसके चैप्टर है, EVS के चैप्टर है, तो EVS के चैप्टर आप पढ़ गए और दोनों EVS के ही क्वेश्चन आ गए, तो भाई मजे ही मजे, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स से आएंगे, अगेन फिर अटैम्प एनी 2 क्वेश्चन EVS से और 2 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, बायो से, यानी क्या समझ आ रहा है इससे, साइंस 2 अब आप कैसे पढ़ेंगे, EVS अलग प्रिपेयर कर लो, बायो अलग प्रिपेयर कर, तो जिनको साइंस पढ़ने में दिक्कत है वो क्या करेंगे, आप पहले कौन से चैप्टर प्रिपेयर कर लो, EVS वाले, क्योंकि EVS वाले पढ़ने में आसान, समझने में आसान और याद करने में भी आसान, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेटेज भी उसका लगभग बराबर होगा बायो की जितना,
ठीक है, वेटेज भी लगभग बायो के जितना होगा उसका, ठीक। इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, बड़े ध्यान से देखो, 4 आएंगे बायो से और 4 आएंगे ईवीएस से। अरे समझे, 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क वाले क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने सिर्फ ईवीएस ईवीएस भी पढ़ के गया तो आपके 3 मार्क के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। यानी समझे, अगेन जिसको साइंस में दिक्कत हो रही है वो खाली ईवीएस भी पढ़ के जाए तो ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो और एक बड़ा खुलासा हो रहा है, 5 मार्क का क्वेश्चन एक बायो से आएगा और एक ईवीएस से, यानी आपने बायो का एक भी बड़ा आंसर नहीं पढ़ा तो भी आप लिख लेंगे। ये बात पता थोड़ी थी तुमको, पता थी क्या? अरे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये किसी को बताना नहीं, ये अपना सीक्रेट मसाला है। पर याद रखो, इतनी भी वो बॉर्डर लाइन में खेलना नहीं है, जितना बायो पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। ये उन उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको साइंस हार्ड जाता है, ये नहीं पढ़ पाते। दूसरी बात, और आप जब एग्ज़ाम में आपको रिजल्ट आएगा तो साइंस 1-2 का अलग रिजल्ट नहीं आएगा, मालूम है ना, साइंस एक साथ आएगा और मैथ्स एक साथ आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या, अब इसको और एक और एक चीज़ बताता हूँ। 20 मार्क्स स्कूल से मिल गए साइंस में, मान लो साइंस 1 का आपको 0 मिला, मान लो अल्लाह ना करे आपको 0 मिला, 20 मार्क आपको स्कूल से मिल गए, अगर आप साइंस 2 भी पढ़ के जाते तो भी आप पास हैं, क्योंकि मिला के पास होने वाले। अलजेब्रा ज्योमेट्री में भी तो यही है, मिला के पास होगा ना, ज्योमेट्री से 2 चैप्टर कर लिए, अलजेब्रा पूरा कर लिए, तब भी अच्छे मार्क्स हो गए। अरे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, समझ रहे हो? तो जो बच्चों का मैथ साइंस वीक है उनके लिए तो बहुत तगड़ी तगड़ी स्ट्रैटेजी है। तुम एक दिन आओ, पेन पेपर लेके, तो मैं तुमको, जब अब तो पूरी बुक खत्म होने आ गई है मैथ्स की, तुम लेकर आओ तो मैं बताऊंगा कि ये मिला जुला के आप पास होने वाले। इसीलिए पास होना 10th में बहुत बड़ी बात नहीं है, पास तो अपन इंशाल्लाह हो जाएंगे जैसे तैसे करके पास हुए। अब जो फेल हो रहा है मतलब वो तो एकदम गया गुजरा खिलाड़ी है, ठीक है, वो एक टप्पा बॉल भी ना खेल पाए। हाँ ठीक, समझ गए। इसमें कुछ पूछना है साइंस 1 में? अगेन एक खुलासा देखो यहाँ पे, अच्छा ये साइंस 2 का है, सॉरी साइंस 1 में खुलासा होएगा अब पक्का। कुछ पूछना है और तो पूछ लो, रोना तो नहीं आ रहा ना किसी को? अच्छा बोले इतनी खुशी, बोले आज क्या क्या मालूम पड़े, बोले इतनी खुशी इतनी खुशी। हाँ ये देखो साइंस 1 का पेपर है, लगभग लगभग सेम पेपर है। लास्ट के 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से होगा और एक किससे होगा, फिजिक्स से होगा। तो कई बच्चों को केमिस्ट्री टफ लगता है तो उसे फिजिक्स पढ़ के आ सकते हैं, पर याद रखना कि इतना ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपको कभी खुदा ना करता वो फिजिक्स का क्वेश्चन में नहीं आया तो आप तो गए, एकदम बॉर्डर लाइन में नहीं चलना है ना। तो पढ़ने की सब कोशिश करो पर एक सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लो, यानी कि साइंस 1 में भी आप ऐसे बांट कर पढ़ेंगे फिजिक्स अलग केमिस्ट्री अलग, साइंस 2 में भी आप बांट के चलेंगे क्या ईवीएस अलग और बायो अलग। तो दोनों में प्रायोरिटी क्या है, पहले साइंस में फिजिक्स के चैप्टर कंप्लीट करो, साइंस 2 में ईवीएस के चैप्टर कंप्लीट करो, फिर साइंस 1 में केमिस्ट्री कंप्लीट करो, साइंस 2 में बायो कंप्लीट करो। इस तरह से ये 2 सब्जेक्ट के अंदर 4 डिवीजन है और इस हिसाब से आपको पढ़ना है। इसमें कहीं पर बताओ कहाँ लिखा हुआ है न्यूमेरिकल करने के लिए? न्यूमेरिकल का एक अलग से क्वेश्चन है, देखो कहीं पर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, अगर किसी को आगे 11वीं में कॉमर्स लेना हो, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं समझ आते नहीं करना है, कोई बात नहीं छोड़ सकते न्यूमेरिकल। ये बुक का एक भी न्यूमेरिकल मत करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुक ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, एक भी न्यूमेरिकल मत करो। अगर तुमको 11वीं में कॉमर्स लेना है और तुमको समझ नहीं आती न्यूमेरिकल्स, एक भी न्यूमेरिकल मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं लिखा है ना। अरे लिखा ही नहीं है कहीं, अलग से सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएगा, जहाँ पर भी न्यूमेरिकल आएगा उसके बाद क्या आएगा, एक ऑप्शन आएगा, बस वो कर लेना। क्यों 2 मार्क के लिए इतनी मेहनत करो, अगर आपको आगे साइंस पढ़ना ही नहीं है और आपको अभी न्यूमेरिकल डिफिकल्ट पड़ा तो काहे को इतनी मेहनत करो, लिख दो ऐसे ही कर लो, ठीक है। अब इसमें और कुछ बताने के लिए है नहीं है, पेपर पैटर्न आपको भेज दिया जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पता नहीं है मतलब डायरेक्ट कैसे जाते हैं, बार बार इस पे ही जाना पड़ता है मुझे। मैथ्स का कहाँ है यार, हाँ
देखो यहाँ पर मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हारे पास ये है, ये लिख लेना अभी, हर चैप्टर के विथ ऑप्शन मार्क्स है, पूरा टोटल पेपर 60 और 60 मार्क्स का आएगा ऑप्शन के साथ में, लिखना 40 का होता है ना। लीनियर इक्वेशन 12 मार्क्स का आएगा, क्वाड्रेटिक 12, अर्थमेटिक 8, फाइनेंशियल प्लानिंग 8, प्रोबेबिलिटी 8, स्टैटिस्टिक्स कितना है 12, यानी दो हाईएस्ट वेट के चैप्टर कौन से आपके, ये दोनों। अब ध्यान सुनना क्या बता रहा हूँ। अच्छा इसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी है 2 मार्क्स की, 2 मार्क कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब 12 का 14 हो सकता है या 12 का 10 भी हो सकता है, 8 का 10 हो सकता है या 8 का 6 भी हो सकता है, मतलब इतना फिक्स नहीं है कि 8 ही मार्क का आएगा, आगे पीछे हो सकते हैं 2 मार्क, ठीक है। अब जिनका मैथ्स वीक है ध्यान सुनना, जिनका मैथ्स वीक है, जिन जिनको बोला था मैंने कि इनको अलग से चैप्टर्स करने, तो सुनो उनको कौन से चैप्टर पक्के एकदम पढ़ने, एकदम पक्का पढ़ना, मतलब जिसमें कुछ भी आपको पूछा जाए तो अब बस आपको यूं करे और आपको आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स 12 मार्क का, प्रोबेबिलिटी कितने मार्क का, 8, कितने हो गए 12 8 20, 12 मार्क का लीनियर इक्वेशन कितने हो गए 40 में से 32 मिल रहा है तुमको, शर्त ये कि सारे क्वेश्चन आने चाहिए, पर मतलब जो लोग 6 में से 3 चैप्टर प्रिपेयर करें, यानी आधी बुक छोड़े वो लोग, आधी बुक छोड़े तो भी कितने मार्क हो रहे हैं 32। तो ये जो लोग 3 चैप्टर करेंगे वो लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज भी करेंगे, प्रॉब्लम सेट भी करेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चन भी करेंगे, वैसे ही प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का भी करेंगे। और मज़े की बात बताऊँ, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, चैलेंजिंग क्वेश्चन भी लगभग नॉर्मल होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है। तो जिनका मैथ्स एकदम वीक है, एकदम गया हुआ है, बार बार विकेट जाता है उनका पेपर में, तो उनके लिए 3 चैप्टर है, कौन सा, लीनियर इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। कितने मार्क्स बन रहे, 32 मार्क्स बने, जोक नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, ये तुमको रियलाइज़ करवाना ईयर के एंड में, हमको ईयर के मिड में ज़रूरी है, ताकि आप अपने डायरेक्शन में मेहनत करो। अब आप मत समझो कि आपको मालूम ही नहीं है कि क्या करना क्या है। नेक्स्ट ज्योमेट्री पर आते, इसमें से सबको कंस्ट्रक्शन तो आता ही होगा, अब नहीं आता है तो भाई सीख लो कंस्ट्रक्शन, कैसे भी सीख लो, किसी को बोल के सीख लो, टहने टहने म्यूजिक लगा के सीख लो, ठीक है, यूट्यूब से सीख लो, कहीं से भी सीख लो, तुमको सीखना ही है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नहीं छोड़ना है। जिनका ज्योमेट्री वीक है कतई ही नहीं छोड़ना है, गुना है गुना, ठीक है। अच्छा दूसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7 7 कितना हो गया 14 हो गया, कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको सिमिलैरिटी एक चैप्टर करना है, 14 और 10 कितना हो गया 24 और 32 कितना हो गया, 24 और 32 कितना हो गया 66 और 20 कितना हो गया, सर गलत गिनना, 76 कितना आ रहा है। तो जिनका मैथ्स वीक है, सुनो जिनका मैथ्स वीक है वो आधा अलजेब्रा आधा ज्योमेट्री छोड़ के भी लगभग लगभग 75 मार्क्स तक टच कर सकते हैं, और क्या चीज, मत देखो ही मत इन चैप्टर्स के, सिर्फ इनके ऑब्जेक्टिव्स करने, मतलब 1 मार्क वाले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक अर्थमेटिक और फाइनेंशियल प्लानिंग से करने, यहाँ पर भी 1 मार्क वाले क्वेश्चन करने, टोटल यानी के सिर्फ मैथ्स में आपको 6 चैप्टर करके आने साल भर में, जिनका मैथ्स वीक है सिर्फ 6 चैप्टर करके आने आपके 75 अबव मार्क्स, और क्या चाहिए। अब मैं मज़े की बात और बता दूँ, ये हर साल ये सेशन होता है, इसी टाइम पर होता है, थोड़ा आगे या पीछे होता है, हर साल बताते भी है। बच्चे बोलते हाँ क्या बता दिया सर ने, आज तो खुलासे पे खुलासे हो गए, पर होता वही है, अपने को पढ़ने का नहीं है, हमको खाली स्ट्रेटेजी बताओ, हम पढ़ेंगे नहीं, हमको क्या बताओ, खाली स्ट्रेटेजी बताओ, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, देखो आई होप सो ये बैच अमल करे उस पर, आधे तो आज आए नहीं है, ठीक है, तो अमल करे तो वही बड़ी बात हो जाएगी, खाली हमारी मेहनत लगेगी। तो देखो यहाँ पर एक, अब जिनका मैथ अच्छा है उनको क्या करना है, जिनका मैथ अच्छा है एक्सरसाइज वगैरह तो सब करेंगे आप, ठीक है, प्रॉब्लम सेट में से आप चूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सबसे पहले तो चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है, चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको सेकंड लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, लास्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर सेकंड लास्ट वाले क्वेश्चन में चैलेंजिंग क्वेश्चन है, 3 में से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हाँ तो जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आपका होगा वो कहाँ से आएगा वो कोई फिक्स नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, पर ये होगा कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है कि डूएबल नहीं है, हर साल 3 में से एटलीस्ट चैलेंजिंग में एक क्वेश्चन होता है जो बहुत आसान होता है, एक क्वेश्चन मॉडरेट होता है और एक डिफिकल्ट होता है, अपने को एग्जाम में वो पहचानना है कि कौन सा मॉडरेट है कौन सा डिफिकल्ट है। और याद रखो जो बच्चे 90 प्लस ला रहे हैं यानी कि वो चैलेंजिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, मेजॉरिटी टाइम्स वो चैलेंजिंग क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तभी उनका मार्क्स आ रहा है, वरना तो मार्क्स आना मुश्किल हो जाता,
तो यानी कि मेजोरिटी बच्चे जब चैलेंजिंग क्वेश्चन कर पा रहे तो अपने को भी करना है। इसका सोर्स क्या होगा चैलेंजिंग क्वेश्चन का, जो बच्चों का मैथ अच्छा होगा उनको दो PDF दिए जाएंगे, एक PDF नॉमिनी 21 का दिया जाएगा, एक PDF टारगेट से दिया जाएगा। इसमें एक टारगेट की एक अलग से बुक आती है जिसमें सिर्फ चैलेंजिंग क्वेश्चन ही है, तो ये दो PDF आपको दिए जाएंगे। उन दोनों PDF से आपको जितने चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो मैं क्लासरूम में करवाऊंगा, वो करने, पर शर्त ये है कि पहले आपका मैथ की बुक एकदम पक्की होनी चाहिए। मैं ऐसे किसी सम पर हाथ रखूं और आपको करने आना चाहिए, तब आप चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, वरना उसकी तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं समझेगा, पूरा बाउंसर जाएगा। और ये सब के लिए अगली बात कि आपको मैथ की बुक कम से कम साल में 3 बार ख़त्म करनी है, एक बार तो मैं कराता हूँ, 2 बार कम से कम आपको घर पे बैठ के करनी है। मैं अभी आपको कुछ दिन बाद एक असाइनमेंट दूंगा सेमेस्टर के बाद इंशाल्लाह, जिसमें आपको कुछ 1-2-3 हफ्ते बाद आपको पूरा अलजेब्रा सबमिट करना है मेरे को और पूरा ज्योमेट्री सबमिट करना है असाइनमेंट में, पूरी बुक, हाँ पूरी बुक सबमिट करनी। तुम लोग ऐसे क्या देखते हो जैसे तुम्हारी किडनी मांग रहा हूँ मैं, मुझे देख दिवाली का जोर बोले तेरा गुर्दा ले लेंगे तेरी किडनी ले लेंगे। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम सेट कर चैलेंजिंग नहीं। एक्चुअली इसमें एक पेज और लगाना था, बुस्ता शायद भूल गई, इसमें एक और एक पेज है उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जैसे साइंस का था ना वैसे। ठीक है अच्छा, तो जिनका मैथ्स वीक है भाई मैंने बता दिया, आप चैप्टर्स याद रख लो, जिनका मैथ्स वीक है उन्हें लीनियर इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, सिमिलैरिटी, कंस्ट्रक्शन और कोऑर्डिनेट, ये 6 चैप्टर करने हैं आपको। हाँ अब मैं अलग से लिख कर नहीं दूंगा, जो जिनको बोला गया है वो समझ जाओ। अच्छा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इजी क्वेश्चन, मीडियम और डिफिकल्ट, डिफिकल्ट से 20% है, डिफिकल्ट माने प्रॉब्लम सेट और चैलेंजिंग क्वेश्चन है वही डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट यानी कि पेपर में इतना कुछ दिया जाता है कि ईजी क्वेश्चन 40% डालने ही है। तो जिनका मैथ्स वीक है वो तो 40 और ये 40-80% तो पेपर हो ही जाएगा आपसे इंशाल्लाह। डिफिकल्ट मत करो ना, आपको जो हार्ड लगता हो मत करो, पेपर में बोला ऐसे देखो ना, यहाँ पे बैलेंस देना पेपर। अगर आप बोलेंगे कि हाँ पेपर में सब हार्ड ही आने वाला, तो ये स्कूल का पेपर नहीं है, बोर्ड एग्जाम का पेपर है, बैलेंस पेपर बनता है, 20% ही हार्ड क्वेश्चन होगा। तो अगर कोई मैथ्स प्रैक्टिस कर रहा है वो दूसरे वे से ये भी सोच सकता है कि सर मैं सिर्फ ईजी क्वेश्चन करता हूँ, सारे चैप्टर करता हूँ पर ईजी करता हूँ, ईजी और मीडियम क्वेश्चन करके भी मेरा 80% तो पेपर बंद है, वही तो गिना रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो जिनका मैथ्स वीक है उनको मैंने 2 तरीके बता दिए, उससे ज़्यादा क्या बताऊँ। पढ़ना देखो आपको है, मैं सब बता सकता हूँ, पढ़ाना मेरा काम है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको देर रात तक बैठ के पढ़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पड़ेगा, आपको डाउट्स पूछने आना पड़ेगा, कभी आप यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना आपको है, मैं तरीका बता सकता हूँ भाई, रास्ता ये है चलना आपको है, मैं पेपर नहीं लिखूँगा आपका, पेपर नहीं लिख सकता मैं, पढ़ना आपको ये भाई एट द एंड। ठीक है हिंदी के लिए मैं ज़्यादा कुछ बताता नहीं हूँ सर, अगर PDF होगा तो मैं बता दूंगा, अभी एक ज्योग्राफी बचा है और एक ये बचा है ना, अभी लंबा हो गया, बोर हो गए ना तुम लोग, नहीं हो गया, तुम लोग की काम की बात है वैसे तो। आ जाओ भाई एक और एक पेपर ज्योग्राफी, अगेन एक स्कोरिंग पेपर है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन का टाइप ये हो सकता है, 2 में टाइप हो सकता है, 3 में ये है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इसमें बताओ खुलासा क्या है, क्या देखे पेपर पैटर्न से क्या समझ आ रहा है, आंसर इन डिटेल सिर्फ नीचे बराबर, ऊपर या तो ग्राफ आएगा या ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बराबर कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर कौन है, गिव रीज़न है, यहाँ कौन है, मैप है, ठीक है, यहाँ कौन है, 1 सेंटेंस है, नेम द फॉलोइंग, यहाँ कौन है, ये देखो ये ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैप यानी कि ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 5 गिव रीजन छोटे वाले ऑब्जेक्टिव, 6A ऑब्जेक्टिव, 6B ऑब्जेक्टिव, सिर्फ 7 वाला डिटेल में, क्या समझे, ज्योग्राफी में सिर्फ आखिरी क्वेश्चन बड़ा वाला है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव है। तो जिनको याद करने में दिक्कत होती है वो ये देखें कि आपको, अगर आप कोई भी बड़े आंसर नहीं पढ़ पाएंगे तो 8 मार्क निकाल लो तब भी आप 32 मार्क का पेपर लिख रहे हैं ज्योग्राफी में, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए,
जिनको याद करने में दिक्कत है, ज्योग्राफी के बड़े आंसर याद नहीं होते, अरे मत याद करो, छोड़ दो बड़े आंसर, 8 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड छोड़ दो अगर नहीं याद हो रहा है तो, बाकी तो कर लो, ये ग्राफ और मैप सारे क्वेश्चन कर लो, पिछले साल के पेपर के और टेक्सटबुक में जितने ग्राफ और उसके मैप के क्वेश्चन कर लो, बस हो गया, मार्क पक्के हो गए, और बाकी ये तो ऑब्जेक्टिव से तुम पढ़ ही रहे हो गया 32 मार्क्स हो रहा है, और क्या देना इसमें, और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर है, कितना स्कोरिंग पेपर है बताओ, बताओ इसमें कितनी मेहनत करनी लगेगी तुमको, फिर इजी है, जिनको तो 90 के ऊपर लाना उनको तो हिस्ट्री में से 100 में से 100 सोचना चाहिए, 98-99 तो बच्चे निकालते हैं मार्क्स, 98-97 निकाले, छोड़ना नहीं है हिस्ट्री में मार्क्स बिल्कुल भी नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में से क्या चाहिए, ठीक है, हिंदी बचता है अभी, हिंदी का देख रहा हूँ पीडीएफ मिल जाए तो ठीक है, वो हिंदी का शायद पीडीएफ नहीं है, बाद में भेज दूंगा मैं आपको, उसको देख लेना, ठीक है, एक मिनट।